कोर्स रोजगार देंगे। इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे इसमें है, कहिएगा दिखा देंगे। 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे अपना, हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना। खड़े बैठिए ना आप दिल्ली का बैठिए। बिहार के बारे में क्या जानते हो? ABCD जानते हो ही नहीं? ABCD जानते हो? ABCD जानते हो? आप किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52 गो 52 सिमट गए। इनके तीनों पालतू तोते शांत बैठ गए, लगातार छापा मार रहे। अरे मारते रहो, बिहार का 40 में 40 सीट हारोगे। पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया? जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा। क्या समझौता किए थे? आपका नेचुरल एलाई था क्या? मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इनकी 2024 में विदाई का ऐलान। श्री राम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर। क्या वादा किया था उन्होंने इस देश को? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को। एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था। और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया, क्या हुआ? आज वही लड़के 5000-4000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहरे भाई, बाहरे रोजगार के प्रति आपका नजरिया कौन सा? रोजगार के प्रति आपका नजरिया है, यही है आपका रोजगार के प्रति आपका नजरिया। महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लाएंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे। हर गरीब के खाते में
10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया। आपका बैठे रह गया। आप देश की जनता को छल रहे हैं, देश की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद इस देश के गृह मंत्री जी, 2014 के चुनाव के बाद हमने देखा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू उनका। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा देश के गृह मंत्री जी से कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने इस देश में नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आपने हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे इसमें है, कहिएगा, दिखा देंगे इसमें है आपका गृह मंत्री जी का इंटरव्यू है, दिखा देंगे। जुमला कहेंगे आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। अरे छोड़िए, ये प्रिंट ऑफ ऑर्डर है। ये सभापति महोदय, ये सब धंधा नहीं चलेगा। योजनाओं से बीच में कोई प्रिंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर खड़ा होके और अनर्गल बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये सब जुमलेबाज हैं। ये क्या बोलेंगे? जुमला कहते हैं। इनके एक नंबर के मंत्री ने इस देश में कहा कि जो चुनाव में हम वादा करते हैं वो जुमला होता है। ये कह रहे हैं महंगाई। आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। आप उज्ज्वला योजना की चर्चा अब आप नहीं करते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जितना सिलेंडर आपने बांटा, 5% घरों में भी आज वो सिलेंडर नहीं जल रहा है। क्यों? 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे अपना, हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना। अब शांति में कायम हो गया। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की? आजकल आप देश भर में घूम घूम के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री का भाषण सुने, 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला हो गया। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 3 दिन के अंदर सबको वॉशिंग मशीन में डाल के 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, सबको सरकार में शामिल कर लिया। वाह, कर्नाटक का चुनाव लड़े थे ना अभी, कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रहलाद जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा भ्रष्टाचार 40,000, वो भी बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए, वो भी बता रहे हैं। का एक मिनट, वो भी बताएंगे आपको। आप कर्नाटक में 40 लाख की चर्चा हर घर में थी, हर सड़क पर थी, हर चौक पर थी, हर चौराहे पर थी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आपको क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आपका कर रहे हैं? कल वो भी बताएंगे, चिंता मत करिए राकेश जी, वो अभी बताते हैं अभी आपको। अभी आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं, चिंता मत करिए ना। अरे बैठिए ना, उसी पर आ रहे हैं। गृह मंत्री जी ने चर्चा किया दिल्ली विधेयक पर, चर्चा के दौरान कहा, अरे भाई चुड़िए ना, सुन बैठिए ना, बैठिए। गए थे आप भी, गए थे, कहाँ गए थे वो हम बोल दें क्या? आप ललन बाबू, आप इधर पास कुमार जी के यहाँ गए थे कि भाजपा वाला हमको बहुत तंग कर रहा है। बात कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 2022 में जब हम लोगों का गठबंधन बना 9 अगस्त 2022 को, तब से इनको भारी तितली लग गई है। पूरा देह खजुला रहा है, सबका देह खजुला रहा है। 2017 में अभी बताएंगे आपके भविष्यवाणी का भी, आपके गृह मंत्री जी कितने बड़े भविष्य वक्ता हैं।
2022 में जब हुआ तितली लग गई, इसलिए कि 2015 में जब तीन पार्टियों का गठबंधन, आपको अवसर मिलेगा, तब आप अपनी बात रखिएगा, आपको अवसर मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। अभी सुनिए, 2017 में जब हम लोग 2015 में जब हम लोग का, ओहो ठरण यार, आप कहां के बीच में बोल रहे हैं। 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ आरजेडी का, जनता दल यू का और कांग्रेस पार्टी का, तो गृह मंत्री जी तीन महीना बिहार में कैंप किए और खड़े बैठिए ना, आप बड़ा दिल्ली का बैठे, बिहार के बारे में क्या जानते हो, एबीसीडी जानते हो ही नहीं, एबीसीडी जानते हो आप बार बार उधर क्यों देखते हैं, तो आप इधर बात करिए ना। तो जब गठबंधन हुआ तीन महीना गृह मंत्री जी कैंप किए और 43 आम सभा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो रिकॉर्ड है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52, सिमट गए। और जब इनका नहीं चला तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहां छापा मरवाने का काम किया। और जब छापा मरवाने के कारण 2017 में हमारा गठबंधन टूटा, तो 17 से 22 तक कुछ नहीं हुआ, 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ, शांति में इनके तीनों पालतू तोते शांत बैठ गए। और जैसे ही 9 अगस्त 2022 को फिर से गठबंधन हुआ, तीनों तोता चालू हो गए, तीनों तोता दौरा कर रहे हैं, लगातार छापा मार रहे हैं। अरे मारते रहो, बिहार का 40 में 40 सीट हारोगे। और आपको एक बात बता देते हैं सभापति महोदय, इसके देश के गृह मंत्री जी जो है वो बहुत भारी भविष्यवक्ता भी है, ज्योतिष का ज्ञान है उनको। अभी कह रहे थे उस दिन दिल्ली पर, 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इनके ज्योतिष ज्ञान का हम आपको बताते हैं, 2015 में इन्होंने गृह मंत्री जी ने, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है जी ने भविष्य, बैठिए, कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग पत्र देंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया गृह मंत्री जी का, 52 को मात्र सीट आया। 2021 में बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे सरकार बना रहे हैं, भविष्यवाणी फेल कर गया। कर्नाटक गए, वहां कहे 2/3 से सरकार बना रहे हैं, हार गए। 2024 भी आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है। और आप एक बात बता देते हैं, दो तीन मिनट में कंक्लूड करेंगे सभापति महोदय। आई गृह मंत्री जी का आदत है सब, इनका गृह मंत्री जी का यही आदत है, बिहार में अभी 3 बार गए, 3 दौरा कर लिए हैं, एगो पहला दौरा में गए बैठिए, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी क्या 352-2 जी 352 सर, बैठिए। इन्होंने कई एक बातें जो है डिफेमेटरी माननीय गृह मंत्री जी के लिए की है। 352-2 ये कहता है कि वो सदन के सदस्य हैं, बिना ये नोटिस के उनके बारे में इस तरह की बातें जो बाहर बोली गई हैं वो नहीं बोल सकते हैं। माननीय रंजन जी जो है, ललन जी, इस सदन के मेरे से ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं, यहाँ के नियम कानून के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है, इसलिए जो भी बातें उन्होंने कही वो एक्सपंज कर देना चाहिए और उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देख लेंगे उसको जी, हो गया ठीक है।
अरे छोड़िए ना एक मिनट, जी 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 ओ छोड़ दीजिए जी, कुछ नहीं बोले इनका छोड़ दीजिए। और सभापति महोदय, तीन बार गए गृह मंत्री जी बिहार, पहला बार गए पूर्णिया, पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिए हवाई अड्डा। अरे ऐसा बड़ा भारत में भारी भारी जुमलेबाज तो देखे ही नहीं भाई, जिस हवाई अड्डे का काम भी शुरू नहीं हुआ उस हवाई अड्डे को बनवा दिए, या यही अध्यक्ष थे, ये जो बैठे हुए हैं ना ये अध्यक्ष थे, यही फीडबैक दिए होंगे। और उसके बाद गए अभी लखीसराय में, अभी लखीसराय में जाके इन्होंने क्या कहा, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया, हर घर नल का जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तीनों झूठ है, तीनों सफेद झूठ है। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज एक रुपया केंद्र का नहीं है, मुंगेर का इंजीनियरिंग कॉलेज एक रुपया केंद्र का नहीं है, मुंगेर बिहार में हर घर नल का जल एक रुपया राज्य की सरकार ने केंद्र से नहीं लिया, इन्होंने ऑफर किया उन्होंने ठुकरा दिया, कहा नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तुम्हारी फितरत है, केंद्र सरकार की फितरत है, राज्य की कोई योजना चलती है उसमें कुछ पैसा दे देते हैं, अब पैसा दे के कहते ही तो मेरा योजना है। नीतीश जी ने कहा एक रुपया नहीं लेंगे, हम अपनी ताकत पर करेंगे, और ये काम उन्होंने किया, शर्म ही नहीं आता है। ये भी गए थे लखीसराय में, यही बताए होंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, हर घर नल का जल बनवा दिया। ललन जी फीडबैक देते हैं इस देश के गृह मंत्री जी इसी तरह के बयान करने के आदि हैं। अरे जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी कौन था, क्या समझौता किए थे, आपका नेचुरल लड़ाई था क्या, आपका स्वाभाविक गठबंधन था जी, बात बना रहे हैं और यहाँ भाषण देते हैं सब जम्मू एंड कश्मीर का, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया कि नहीं किया, क्यों किया, आपकी आप लालू जी धन्यवाद साथ रहे, धन्यवाद हम लोग एक पार्टी में रहे हैं, इस पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था जी, रहेंगे आपका खाता, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी, जी। इसी के साथ श्री रामभगवाल यादव बस कंक्लूड कर रहे हैं, इसी के साथ सभापति महोदय मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इनकी 2024 में विदाई का ऐलान, श्री रामकृपाल यादव जी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।